कि ये लोग नारा दिया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम जी खिसिया गए थे और खिसिया कर बोले ना राम जी खिसिया कर बोले कि बबुआ तुम हमको नहीं हम तुमको लाए थे। सबसे ज्यादा हमको दुखी इस बात का है कि हमने अयोध्या हार गए। अगर हम कहीं और की सीट अगर हार जाते हमें उतना गम नहीं थे, लेकिन अयोध्या जैसे हम पावन धरती को हार गए ना, ये सबसे पेपर लीक बुलडोजर बिहार में विकास रुक गया। जनता को जिसपे मतलब क्या विश्वास होगा उसी को ना वोट देगा। अब मंदिर बनाने से तो नहीं होता है। कुछ जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग थे वो बढ़िया से कैंपिंग नहीं किया समझे, इसीलिए वहाँ हार हुआ बीजेपी का। राम जी के मंदिर बनवाए हैं, राम जी को लिए तपस्या किए हैं, कहा वहाँ से हार गए मोदी जी। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लोकसभा का चुनाव बीत चुका है और एनडीए जो है वो बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए भी तैयार है और जल्द ही सरकार बनाने के लिए दावे पेश करने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में एक अहम सीट जो है वो चर्चा के विषय बनी हुई है और वो है अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी ने कई जगहों पर जाकर राम मंदिर का प्रचार किया और राम मंदिर के नाम पर वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से मांगे, लेकिन जो सीट अयोध्या की थी वही बीजेपी के खाते से निकल गई और इसको लेकर के कई तरीके से जो है वो लगातार अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है। कई लोग जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ भगवान राम नहीं है, तो कई लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वाले दगाबाजी कर दिए। लोगों से जानते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या अयोध्या में बीजेपी ने जो सीट हारी क्या वो वाकई भगवान राम ने उन्हें उनके साथ नहीं है इसलिए वो सीट हारे, या फिर एक अलग समीकरण की वजह से वहाँ पर इस तरीके के। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम साधना पासवान हुआ। साधना पासवान जी, कहाँ घर है? पटना है। पटना से है। अयोध्या सीट हार गई बीजेपी, क्या लगता है मंदिर बनाने के बाद मोदी जी को वोट नहीं मिला वहाँ से? देखिए बीजेपी को कार्यकर्ता में कुछ कमी रह गया था इसीलिए अयोध्या हार गए समझे। इंटरनेट में तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि अयोध्या वाले तब भी अपने राजा के नहीं हुए और अब भी अपने राजा के नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है, कहने वाला का कहने दिए मुंह पकड़िएगा मानो लाठे पकड़िएगा। कुछ जो बीजेपी कार्यकर्ता लोग थे वो बढ़िया से कैंपिंग नहीं किया समझे, इसीलिए वहाँ हार हुआ बीजेपी का। तो कैंपिंग अच्छा करते तो अच्छा प्रदर्शन करते, बिहार में अच्छा प्रदर्शन किए, अच्छा सीट निकाले, जो भी निकाले हर स्टेट में निकले, लेकिन यूपी में प्रदर्शन बढ़िया से नहीं हुआ इसलिए वहाँ हार हुआ बीजेपी को। कह रहे थे बीजेपी के नेता कि लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में राम जी को लाने वाली पार्टी को सीट नहीं मिला। वैसा कोई बात नहीं, ये किस कारण नहीं मिला मोदी जी को सीट वहाँ से अयोध्या से? क्योंकि राम जी के मंदिर बनवाए हैं, राम जी को लिए तपस्या किए हैं, कहे वहाँ से हार गए मोदी जी? बताइए आपके काहे हार गए वहाँ से? बढ़िया के दो काम किए हैं, अच्छा दिन लाए। कई लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे वायरल हो रहा है रील्स मीम्स हर तरीके से कि अयोध्या वाले तब भी राजा राम के नहीं हुए और आज भी राजा राम को लाने वाले राजा के नहीं हुए। इसीलिए ना कह रहे हैं कि मोदी जी वहाँ अयोध्या में बहुत दिन कहे ना कि तपस्या के राम को लाए तो हम भी आएंगे, अयोध्या से काहे मोदी जी हार गए? अयोध्या सीट हारने के पीछे क्या रीजन लग रहा है? देखिए धर्म और जाति पे तो पहले बात जाना नहीं चाहिए। और जो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कई जगह पर बीजेपी के नेता खुद ही प्रचार किए थे कि मंदिर बन चुका है। देखिए उससे नहीं होता, अयोध्या में मंदिर तो बना, सबको लग रहा मंदिर बनाने से सबको घाटा हो रहा, लेकिन घाटा एक तरफ तो देखिए मंदिर बनाने से फायदा क्या हुआ कि वहाँ के जनता लोग को रोजगार मिला पहला बात हो गया, और दूसरा बात वहाँ का जो एरिया है सक्सेस हो रहा है धीरे धीरे। पहले देखते थे अयोध्या खंडर टाइप था, अब ये अयोध्या चमक सब बना है। अभी हम फिलहाल में अयोध्या से घूम के आए हैं, अभी भी वहाँ सुविधा कुछ कम रही है। लेकिन इतना सब विकास होने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने ही वोट नहीं दिया बीजेपी? नहीं दिया, ये तो वहाँ के जनता के पब्लिक मतलब उसमें थोड़ा कुछ कमी है। अयोध्या की जनता सही नहीं की क्या? तो मालूम नहीं मालूम क्या लगता है? क्या लगता है? देखिए जनता को जिसपे मतलब क्या विश्वास होगा उसी को ना वोट देगा। अब मंदिर बनाने से तो नहीं होता है, एगो मंदिर से ना हो जाएगा। मैं एगो अयोध्या में मंदिर बीजेपी की कमी रही है। हाँ तो खाली मंदिर से ना हो गया कि अयोध्या में हम मंदिर बना दिए। अयोध्या से मतलब कि क्यों हारा बीजेपी जानते हैं? कि ये लोग नारा दिया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम जी खिसिया गए थे और खिसिया कर बोले ना राम जी खिसिया कर बोले कि बबुआ तुम हमको नहीं हम तुमको लाए थे।
इसीलिए अयोध्या से हारे थे। और दूसरा बात, बीजेपी का जो सीट कम हुआ है ना, उसका वजह सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, उसका सांसद लोग भी है। हमारे महाराजगंज का सांसद है जनार्दन सिग्रीवाल, काम कुछ नहीं किया है फिर भी जीत गया, मजबूरी में वोट देना पड़ा, लेकिन हमने कांग्रेस को वोट दिया उसको हराने के लिए। सिर्फ प्रत्याशी का विरोध हम कर रहे थे, प्रत्याशी का विरोध। मान लीजिए कि स्कूल है हमारा 1950 से विद्यालय चल रहा है, कॉलेज है, लेकिन आज तक उसमें बाउंड्री का फंड नहीं आया है, ये लोग कुछ भी काम नहीं कराता है। वो राजकीय बुनियादी विद्यालय पोखरे है, उच्चतम मध्य विद्यालय है, अभी नीतीश कुमार की है। तो मान लीजिए जो 1950 से विद्यालय जो चल रहा है उसमें बाउंड्री का फंड नहीं आया है, जाइएगा तो विद्यालय कम, सुअर का खोभार ज्यादा दिखता है विद्यालय हमारा। सांसदों की गलती है, सांसद की गलती है, विधायक की गलती है। मान लीजिए मोदी जी की गलती नहीं है, सांसद विधायक ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद भवन में उठाए, विधानसभा में उठाए, तभी क्षेत्र का विकास होगा। राजा के अपने कभी नहीं होते, राम जी खींच आए थे, ये नारा नहीं देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा देना ही नहीं चाहिए था। राम तो सबके हैं, सबको राम लाते हैं, वो लोग राम को कैसे ला दिए, ये नारा गलत था। मंदिर नहीं बना, बनवाया तो बीजेपी ही बनवाया, नहीं, बनवाया बीजेपी, बनवाया बीजेपी को फुल क्रेडिट देना चाहिए कि मंदिर उसी ने बनवाया है, हम कहते हैं इस बात को, लेकिन राम को वो नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं। अगर राम की ये राजनीति वो नहीं करते तो सत्ता में आते, हाँ, नहीं आते। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अभी भी कह रहे हैं, सत्ता में तो है, तो राम की राजनीति करके ही आए हैं वो, राम की राजनीति, राम का नाम ले लेकर ही आए हैं यहाँ पे, इस बात को समझिए आप। अयोध्या की सीट के पीछे क्या क्या राज लगता है, क्या रीजन लगता है? मोदी से सब खिसिया रहा था गाय के लिए। अयोध्या, अयोध्या की सीट हार गए बीजेपी वाले, क्या रीजन लगता है? अयोध्या क्या पूरे देश में सीटें हार गई है भारतीय जनता पार्टी मैक्सिममली सीट। अयोध्या में तो मंदिर बना था, वहाँ का प्रचार कर करके कई जगहों पर जो है सीटें निकाली गई। देखिए राम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे थे, इन्होंने डेवलपमेंट की बात कहीं से, इन्होंने अपने चुनावी मंचों से कहीं तक डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी। और डेवलपमेंट की बात करते तो शायद इनका कुछ 400 पार का जो नारा था कम से कम 300 पार तो हो जाता कम से कम। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जन से ज़्यादा सांसद और मंत्री, मतलब मंत्री चुनाव हार चुके हैं, जिसमें स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी कि आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, उनके एक चेले से चुनाव हार गई। तो सोचने वाला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए कि चुनाव की समीक्षा करनी चाहिए कि हार का टिकरा किसके ऊपर फूटना चाहिए। जाके अगर महाराष्ट्र की बात की जाए कि महाराष्ट्र में फडणवीस है जो वहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं आगे, उन्होंने हार का जिम्मा लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश रखी है। तो नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये चीज स्वीकारनी चाहिए। नेताओं की भी गलती है, सिर्फ शीर्ष नेताओं की नहीं, वहाँ के जो सांसद है उनकी भी गलती है। अभी एक सब से कहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें, कहाँ की बात करें, अगर कहीं पे हार होती है तो वहाँ पर सांसदों की गलती होती है। आप फिर मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा था, आप कुछ पता है ये चीज, जो सांसद थे वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे थे, ना कि अपने पर्टिकुलर फेस पे मांग रहे थे, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो। देखा नहीं था आपने रैली में कि मोदी जी के साथ में साथ ही साथ एक कमल का साइन लेके और मोदी जी साइन लेके घूम रहे थे, फिर भी मोदी जी के जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा वहाँ पे। क्या लगता है अयोध्या की सीट हारने के पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण कुछ नहीं, कह रहे हैं कि अयोध्या वाले जो है वो दगाबाज होते हैं। एकदम बिल्कुल, त्रेता युग में जो हमारे राम जी के साथ, जो हमारे राम पे के अस्तित्व पर जब उंगली उठाए, माता सीता पे के अस्तित्व पर जब उंगली उठाए, उसी दिन क्या मतलब वहाँ के हर एक सर के, जैसे लालू यादव बोले थे जो कागज के पन्नों पे बोले थे कि हमने जब बिहार के अगर सत्ता के अगर संभाला हमने तो हमने बिहार का सड़क ऐसा निर्माण करेंगे जो कि हेमा मालिन के गाल से भी ज़्यादा चिकन होगा, वही जो लालू यादव ने बोले थे वही योगी आदित्यनाथ ने वहाँ करके जमीन स्तर पर दिखाया। वहाँ की सड़कें जाके देखिए, वहाँ के नाले जाके देखिए, वहाँ की विकास जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या विकास होता है। अरे वहाँ की जनता जातिवाद में पड़ गई है, वहाँ आपको पता होगा कि अयोध्या में 20% अब बोल तो भी बोल चले ना, तो यहाँ देख यही लोग है ये। अरे वहाँ की जो विकास पे है मोदी जी ने, योगी जी ने वो देखा नहीं, उन्होंने जो 2014 से पहली वहाँ की स्थिति थी, वहाँ की इकोनॉमी थी, वहाँ की जो 5 बजे के बाद कोई भी महिला घर से नहीं निकलती थी, वहाँ के हर एक व्यवस्था, काहे ना सड़क हो, वहाँ की जो
बहुत सारी इंडस्ट्री हो, अभी जाके देख के बहुत सारी इंडस्ट्री जो कातका बहुत सारी इंडस्ट्री जो है विदेशी इंडस्ट्री भी जो है यूपी में लगाना चाहती है। देखिए वहाँ की जनता वहाँ सबसे ज़्यादा बता देते हैं क्या 20% वहाँ मुसलमान है, इस बार 1% भी मुसलमान योगी मोदी जी को वोट नहीं दिया। पहले सुन लो यार, उतना देरी तो तुमने बोला उसके पहले सुन लो ना। हाँ, हिंदुओं के वजह से ना आज मोदी जी ने समझ गए ना हारे हैं, समझ गए ना। मोदी जी ने ना जात देखा, ना पात देखा, ना धर्म देखा, सिर्फ वो देखे तो सिर्फ विकास, समझ गए ना। लेकिन हिंदुओं के वजह से ही मेरा आज अयोध्या जैसा पावन धरती जो हमने हार गया, सबसे ज़्यादा हमको दुखी इस बात का है कि हमने अयोध्या हार गए। अगर हम कहीं और की सीट अगर हार जाते हमें उतना कम नहीं थे, लेकिन अयोध्या जैसे हम पावन धरती को हार गए ना, ये सबसे बड़ी सुनिए, उस हिंदुओं की वजह से हम जो हारे हैं ना, वो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, रामे जी उनको हटा दिए वहाँ से, हटा दिए। आखिर क्यों पाँच साल पर 4000 वैकेंसी दे रहा है, ओकरा पर कुछ ना बोलेगा आदमी। उत्तर प्रदेश की जनता ने पेपर लीक बुलडोजर बिहार में बुलडोजर यूपी का विकास रुक गया यार, देश का विकास रुक गया यार, बात बोलते हो। देश अभी कहाँ जा रहा था बुलडोजर भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर मकान पे चला, जो जनता ने मैंडेट दिया ये स्वीकार ही नहीं है इन लोगों से। एक बात चला था दरवाजों का विकास, विभूषण पांडे चैनल पर क्यों नहीं बोल रहा चला था, बताते ना भाई, वही तो यूपी से थे ना, वो भी मुस्लिम, 4 साल में 4000 वैसा संसद होता ना तो मुस्लिम होता ना तो उससे बुलडोजर चल जाता, एजुकेशन सदन पे नहीं चलेगा बुलडोजर, बीजेपी के है ना यूपी में, बीजेपी को कम सरकार नहीं है। देखिए अयोध्या की सीट पर चर्चा चल रही थी और अयोध्या की सीट पर जो है वो ये लोग जो है वो भिड़ गए। कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या की जनता जो है वो वहाँ का विकास नहीं देख पाई और सिर्फ जातिवाद और सांप्रदायिक जो राजनीति है उसमें फंस करके लोगों ने वोट न दिया, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी जो है वो विकास किए ही हैं और वहाँ की जनता जो है वो उनको सरकार में तो बना ही दी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राम जी को लाने वाले बीजेपी वाले कोई नहीं होते, बीजेपी का एक एक आदमी जो है वो राम जी की वजह से आया है और यही बात भगवान राम को अच्छी नहीं लगी, शायद इसीलिए अयोध्या सीट जो है वो बीजेपी हार गई। लेकिन फिलहाल अयोध्या की सीट जो है वो सपा के खाते में चली गई है और बीजेपी के जो सांसद प्रत्याशी थे वहाँ से वो हार चुके चुनाव। लेकिन सरकार जो है वो एनडीए बनाने की ओर अभी भी अग्रसर है और इसी चीज़ को लेकर के लगातार बीजेपी और एनडीए की तमाम पार्टियाँ दावे कर रही हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि अब जब कुछ दिन बीत चुके हैं तो क्या एनडीए की जो सरकार है वो प्रस्ताव पेश करती है और किस तरीके से जो है कैबिनेट जो है विस्तार होती है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के संशय अभी भी कई लोगों के जहन में बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अभी तक एनडीए के साथ है, उन्होंने ये चीज़ कह दी है और बार बार जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर मिलने पर भी उनकी पार्टी ने जो है वो प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। फिलहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स मिलने को बताएगा। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।